नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आईटीआई खत्म कर दी जाएगी और जो उम्र की जो सीमा है 31 से बढ़ाकर 33 कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का अभी लगभग 10-15 मिनट पहले का अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ही खबर दे रहा हूँ इंडियन स्टडी आपको। दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो कल पंजाब में और जयपुर राजस्थान के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हुआ, तो उसके चलते हुए अमर उजाला ने एक न्यूज़ अपडेट की है। अब ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही न्यूज़ है, क्योंकि उसकी ऑफिशियल साइट पर अपडेट हुई है अमर उजाला की। लेकिन अभी भी आरआरबी की किसी भी साइट पर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसा ही आएगा तो उस सबसे पहले मैं ही आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन जिस हिसाब से अमर उजाला ने अपने न्यूज़ पोर्टल पर अपडेट किया है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जिसमें लिखा है कि 10वीं पास लोगों के लिए रेलवे में निकाली 90,000 से ज़्यादा वैकेंसी और उम्र सीमा 2 साल बड़ी उम्र सीमा। देखिए दोस्तों, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो मांग कर रहे थे कि अगर कम से कम आईटीआई नहीं खत्म की जाए तो उम्र सीमा को बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है केवल उम्र सीमा की बढ़ाने की बात कही गई है इसमें। तो दोस्तों, आपको बता दूं, अभी आईटीआई हटी या नहीं हटी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस 100% आने वाला है। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो 1-2 दिन में जरूर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। आगे लिखा है दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और भारतीय रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने खाली पदों पर 91,000 से भी ज़्यादा भर्तियां निकाली हैं। आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, 62,907 हो गई आपकी रेलवे ग्रुप डी वाली और 27,000 वैकेंसी हो गई आपकी एलपी और टेक्नीशियन वाली। 91,000 से भी ज़्यादा भर्ती निकाली है। इसके साथ ही ध्यान रखना दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही रेलवे ने एक और खुशखबरी देते हुए इन भर्तियों के लिए आयु सीमा भी बढ़ा दी है। तो दोस्तों, अब ये बात कितनी सच है ये आने वाले नोटिस में आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से 100% श्योर सच बात है कि उम्र सीमा तो कम से कम बढ़ा दी गई है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही अपडेट होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिस पे, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, किसी भी साइट पर आएगा आरआरबी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।